हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है चिकन काली मिर्च। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज को कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। रेसिपी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। प्याज के बाद हम इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन। इसे भी हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, करी पत्ता और लहसुन। ये करी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, इसे आप जरूर ट्राई करें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन के पीसेस, जिसे मैंने पहले ही क्लीन करके रखा हुआ था, और इसे 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे। इसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर और ढेर सारा काली मिर्च पाउडर, साथ ही नमक ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें इसे ढककर पकाना है 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर। इतने में करी रेडी हो जाता है, तो इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसे कवर करके कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। 8 मिनट के बाद हमने करी को चेक कर लिया है, ये अच्छी तरह से पक चुका है, रेडी हो गया है। अब इसमें करी पत्ता ऐड कर देंगे और इसे सर्व कर सकते हैं। इसे आप स्टार्टर की तरह सर्व कर सकते हैं या घी राइस के साथ। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, आप इसे ट्राई जरूर करें। थैंक यू सो मच।